विधानसभा चुनावों के लिए पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 47 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच हुई भारी मात्रा में वोटिंग। बांग्लादेश दौरे पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, हम भारत बांग्लादेश स्थिरता प्रेम और शांति चाहते हैं। वहीं पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे से भड़की ममता बनर्जी, बोली ये है आचार संहिता का उल्लंघन। बंगाल चुनाव में ईवीएम गड़बड़ी की शिकायत पर ईसी पहुंची टीएमसी, बोले वोट टीएमसी को लेकिन वीवीपैट पर दिख रही बीजेपी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया बड़ा बयान, बोले एयर इंडिया का या तो निजीकरण होगा या फिर होगी पूरी तरह बंद, बचे हैं सिर्फ दो ही विकल्प। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने दिया बड़ा बयान, बोले हमने अपने लोगों को वैक्सीन देने से ज्यादा दुनिया को सप्लाई किया। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, बोले नोटबंदी और गलत ढंग से जीएसटी लागू करने से अर्थव्यवस्था हुई कमजोर। और निकिता तोमर हत्याकांड में हरियाणा की अदालत ने सुनाई तौसीफ और रेहान को उम्र कैद की सजा।